तो अभी हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो बेसिकली पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ये बेसिकली क्या बताता है कि लंग में कोई जो पैथोलॉजी रहती है, लंग में पैथोलॉजी रहती तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बताता है कि लंग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है क्या, ठीक है ना। और तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ के बारे में बताता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। तो टाइडल वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल एयर इंस्पायर्ड या फिर एक्सपायर करता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो होता है 500 ml, ठीक है ना, 500 ml। उसके बाद होता है एक होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन एयर एक्सहेल किया उसके बाद वो और कितना एयर एक्सहेल कर सकता है ऊपर से, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तो उसने एक्सहेल किया ही, प्लस उसके ऊपर से कितना एक्सहेल कर सकता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है 1200 ml, ठीक है ना। उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या, ये पर्सन नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तो इनहेल किया ही, उसके ऊपर से वो और कितना इनहेल कर सकता है फोर्सफुली, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है अपना कुछ 3000 ml। उसके बाद एक होता है अपना रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम बच गया, ये भी होता है अपना 1200 ml, ठीक है ना। तो अभी जैसे बताऊँ ग्राफ से, तो एक होता है, एक बंदा है, ये इसका टाइडल वॉल्यूम है 500 ml, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन हो रहा है, उसके बाद नॉर्मल इनहेल किया, उसके बाद ऊपर और उसके ऊपर से कितना इनहेल कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या कि नॉर्मल सांस छोड़ा उसके बाद और कितना मैक्सिमम सांस वो एक्सहेल कर सकता है उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने बता दिया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3000 ml और इसका 1200 ml। तो और इसको तीनों को मिला के, मतलब टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों को मिला के, मतलब TV प्लस ERV प्लस IRV, इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मिला के वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। ये कितना होता है बेसिकली, ये होता है अपना 5 लीटर के आसपास होता है, 5 लीटर अप्रॉक्स 5 लीटर, ठीक है ना। उसके बाद अभी हम लोग ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं FEV1 अपॉन FVC का रेशियो। तो FEV1 क्या हो गया कि एक सेकंड के अंदर बंदे ने कितना एक्सपायर किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं FEV1, मतलब एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन विथ इन 1 सेकंड। तो जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है वो कितना है, 5 लीटर है। अब नॉर्मल पर्सन होता है वो विथ इन फर्स्ट सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर वो बेसिकली 4 लीटर निकाल देता है, 4 लीटर एयर निकाल देता है, तो 4 लीटर एयर निकाल देता है, तो कितना आएगा 80%। तो ये नॉर्मल केस में हो गया। अगर किसी का ये लेस देन 80% आए, मतलब ये 4 लीटर ना निकाल के तीन ही लीटर निकाले तो परसेंटेज कम हो जाएगा, तो लेस देन 80% आए तो किसी का, तो ये होता है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में, जैसे अस्थमा COPD में वगैरह में आ जाता है ये, ठीक है ना। तो ये अस्थमा में आ जाएगा या फिर COPD में आ जाएगा, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसेमा, इसमें ये आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक होता है हम लोग लास्ट, एक और होता है कंसेप्ट, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, ये भी एक टेस्ट होता है लंग में। इसमें बेसिकली क्या होता है कि यही हम लोग रेशियो देखते हैं, इसमें एक पंप होता है, उसमें पंप में बंदा फूंकता है और यहाँ पे ये लीटर यहाँ पे दिया रहता है, परसेंटेज लीटर दिया रहता है। तो अपने को पता है 5 लीटर बेसिकली वाइटल कैपेसिटी होनी चाहिए, और 5 लीटर में से मैक्सिमम कितना एयर निकाल देना चाहिए, 4 लीटर। तो अगर किसी का ग्राफ सपोज ये ऐसा आया, तो ये सपोज ये 5 लीटर अपना था, तो यहाँ पे सपोज ये 4 लीटर के आसपास आया, 4 लीटर, तो मतलब ये नॉर्मल है। और किसी का अगर ये इतना आया तो मतलब ये सपोज 2.5 लीटर के आसपास आया, मतलब ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, मतलब इसका PEFR का परसेंटेज, कितने परसेंट PEFR रिडक्शन हुआ, कितना परसेंट वेरिएबिलिटी आई, और उसके बाद FEV1 अपॉन FVC, ये कितना परसेंट से कम हुआ है, 80% तो नॉर्मल होता है क्या, 75% है, 60% है, तो मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एंड PEFR।